गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड, व्हाट इज डे टुडे? टुडे इज मंडे एंड व्हाट इज डे टुडे? 20 जुलाई 2020। स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका फ्रॉम द विजडम स्कूल सिरसा। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, देखिए, जो हमारे हिंदी व्याकरण की बुक में लेसन 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया है एंड जो आज हम लेसन करेंगे, लेसन नंबर 5, लिंग बदलो, जो हम लिंग लिख करते हैं आज हम वो करेंगे। देखिए, अब इसमें क्या कहा आएगा, इस पाठ में लिंग की परिभाषा, लिंग के उदाहरण और लिंग के भेद। अब देखिए, इसमें लिंग ई की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। अब किस तरह से ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दिए हुए हैं, ये पुल्लिंग दिए हुए हैं और हमने स्त्रीलिंग में इन्हें चेंज करना है, मीन्स बदलना है। अब देखिए, बकरा क्या बन जाएगा? बकरी। आगे लड़का, लड़की। नेक्स्ट पुत्र, पुत्री। मौसा, मौसी। ओके, अब बच्चों नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए। अब लड़का पढ़ रहा है, अब देखिए ये क्या है। अब देखिए इसमें कैसे लिंग चेंज किया है, कैसे स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज कर दिया है। अब देखिए, लड़का, लड़का क्या है? पुल्लिंग है और हमने इसको स्त्रीलिंग में चेंज करना है, मींस बदलना है। लड़का, लड़की। देखिए, लड़का पढ़ रहा है और लड़की खेल रही है। आगे देखिए, दादाजी सो रहे हैं, दादी जी फल काट रही है। अब देखिए, इसमें दादाजी और इसमें दादी जी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, मोर नाच रहा है, मोरनी बैठी है। शेर दहाड़ रहा है, शेरनी खड़ी है। तो शेर क्या है? पुल्लिंग है और ये शेरनी स्त्रीलिंग है। तो हमने इस तरह से इन जो शब्दों को हमने स्त्री पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में चेंज करना है। अब देखिए, इन वाक्यों में लड़का, दादाजी, मोर और शेर शब्दों से पुरुष जाति की और लड़की पुरुष जाति का और लड़की, दादाजी, मोरनी और शेरनी शब्दों से स्त्री जाति का पता चल रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे लड़का, लड़की, पिता, माता, जो है, जो स्त्री मींस जो पुरुष जाति है वो पहले आएगी और हमने उसको स्त्रीलिंग में चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे? जैसे लड़का, वो है क्या है? पुरुष है, मेल है। तो हमने क्या है, लड़का, लड़का को, लड़का का अपोजिट, लड़का का लिंग बदलो क्या होगा? लड़की। ओके स्टूडेंट्स, लड़के का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। ओके स्टूडेंट्स, जैसे दादा, दादाजी का, दादाजी का स्त्रीलिंग क्या होगा? दादी जी। मोर का क्या होगा स्त्रीलिंग? मोरनी। शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा? शेरनी। तो इसी तरह से हमने, जैसे अब हमारे, जैसे नाना का नानी, स्त्रीलिंग नाना का क्या होगा? नानी। चाचा का चाची। इसी तरह से हमने जो है पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में बदलना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे, हमें जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का पता चले। अब देखिए, ऐसे शब्द जो जिससे हमें पुरुष या स्त्री जाति का पता चले उन्हें लिंग कहा जाता है। देखिए, ये परिभाषा दी हुई है लिंग की। लिंग दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखिए, जिन शब्दों से पता चले वे पुरुष जाति के हैं, जिन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पता चले कि स्त्री जाति के हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट, जो पुल्लिंग होते हैं उनसे पुरुष जाति का पता चलता है और जो स्त्रीलिंग होता है उससे स्त्री जाति का पता चलता है। अब देखिए, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिए हुए हैं। हाथी, हथनी, पिता, माता, चाचा, चाची, पुरुष, स्त्री, शिक्षक, शिक्षिका, बूढ़ा, बुढ़िया, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, चाचा, चाची, बेटा, बेटी, दादा, दादी, मामा, मामी, फूफा, बुआ, नाना,
नानी। अब देखिए ये सारे पुल्लिंग हैं जिससे पुरुष जाति का पता चलता है हमें, और इनको हमने स्त्रीलिंग में चेंज करना है। देखिए कैसे बदल रखा है, हाथी हथनी, जो ये क्या है स्त्रीलिंग है। ओके स्टूडेंट्स, दादा दादी, मामा मामी, फूफा बुआ, नाना नानी, ये जो है हमने ऐसे लिंग को, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना है। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी नोटबुक में एक तो आपने लिंग की, लिंग किसे कहते हैं ये राइट करनी है इसकी परिभाषा, और ये आपने लिंग बदलो यहाँ से लेके आपने यहाँ तक राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स आज के लिए आपका इतना ही है, एंड नेक्स्ट हम जो हमारे रह गए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।